कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। टुडे माय रेसिपी इज डबल डेकर सैंडविच। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। हाउ मेनी पीपल ज्वाइन? फाइव हैव जॉइंड टिल नाउ। So hi everyone, welcome to Amul Live. चलिए हम शुरू करते हैं। First introduce myself. I am Indu Chuk, founder of Z Cookery Classes from Panipat, Haryana, and my recipe is double decker sandwich. My ingredients are hunker, cottage cheese, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न्स, अमूल बटर, अमूल प्रोसेस चीज। देखिए हंकर हम इसमें यूज कर रहे हैं, हम बहुत ही हेल्दी सैंडविच बना रहे हैं। हंकर को हमने कैसे बनाना है, आपने 1 से 2 घंटे के लिए अमूल की कर्ट को इस तरह के स्टेनर में रख देना है, जिससे कि थिक पार्ट ऊपर रह जाएगा और सारा जो वाटर बेस है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारी अमूल की यंग कर्ड है और ये हमारा है पिज्जा पास्ता सॉस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यंग कर्ड लेंगे, अप्रॉक्स 2 सर्विंग स्पून जितनी। इसके अंदर हम अनियन, कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट, हमारे कॉर्न्स, इनको करेंगे मिक्स। ये सैंडविच बहुत ही इंस्टेंट सैंडविच है और बहुत ही यम बनता है। थोड़ा सा हम डालेंगे सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। किसी को ज्यादा तीखा करना हो तो वो थोड़ा सा रेड चिली ज्यादा डाल लेगा। हमारा ये हेल्दी हेल्दी सा स्प्रेड रेडी है। अब हम लेंगे इसको और हेल्दी बनाने के लिए अमूल की ब्राउन ब्रेड। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, अमूल का बटर जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए हमारा। सभी ब्रेड पे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। किसी की कुछ क्वेरी हो तो साथ साथ पूछ सकते हैं आप लोग। ये जो हमने स्प्रेड बनाया है ये हम अप्लाई करेंगे एक फर्स्ट ब्रेड के ऊपर। और इसको कवर कर लेंगे हम दूसरी ब्रेड स्लाइस के साथ। फिर हम लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस। और अब हम डालेंगे अमूल का बहुत सारा पनीर
थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और ये जो अमूल का प्रोसेस चीज है इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। सॉल्ट में दोबारा इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे प्रोसेस चीज में होता है सॉल्ट। और इसको हम कर देंगे कवर। ये हमारी ट्रिपल ब्रेड्स हो गई। अब आप इसको ओटीजी में बेक भी कर सकते हैं, ग्रिलर भी कर सकते हैं, और हम जो सबके पास अवेलेबल है तवा, हम तवे के ऊपर करेंगे। तवे को करेंगे गरम। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है आपको एक टिप बताती हूँ, जितने भी हम इसमें प्रोसेस चीज यूज कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, कुछ भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अमूल का बटर लिया, और अपना ये डबल डेकर सैंडविच रखा हमने, इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जिससे कि जो हमने प्रोसेस चीज डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा बटर हम लगाएंगे ऊपर की तरफ। इसको हमने कर दिया टर्न। देखिए कितना अच्छा रोस्ट हो रहा है ये। थोड़ा स्लो पे। ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आप ये इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही यम बनता है। देखिए हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका। जो इसमें चीज है वो हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसको करेंगे कट। देखिए इसमें जो हमने स्टफिंग डाली है वो बहुत ही हेल्दी स्टफिंग है। तो देखिए रेडी है हमारा डबल डेकर सैंडविच। बनाइए और मुझे भी बताइए आपको कैसा लगा। अगर कुछ क्वेरी है तो बताइए। एनी क्वेरी? नो, नॉट येट। सो थैंक यू सो मच अमूल। थैंक यू।